आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं और ये एनडीए का सरकार है। कोई हमारे दो विधायक लेंगे तो हम 20 विधायक लेने का ताकत रखते हैं, ठीक है। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। सर्दियों का मौसम है लेकिन बिहार की राजनीतिक गर्मी जो है लगातार बढ़ती हुई जा रही है। जदयू भाजपा के बीच रिश्तों में जो तकरार आई थी, जो खटाई आई थी, उसके बाद से जो सियासत शुरू हुई थी वो लगातार जारी है। कभी इस मामले को पक्ष हवा दे देता है तो कभी विपक्ष इस आग में घी डालने का काम कर देता है। आपको बता दें कि जीतनराम मांझी ने भी इसका जो है बीड़ा उठाया था। उन्होंने एक मंत्रालय और एक और MLC पर मांग करके इस पूरे जो सियासत की जो गर्मी है उसको हवा देने का काम किया था। इसके बाद एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। इस वक्त जो है BIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने इस पूरे मामले का बीड़ा उठाया है। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राजद के 20 विधायक हमारे संपर्क में है। जी हां, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि BIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने एक बड़ा दावा किया है कि राजद के 20 विधायक उनके संपर्क में है। ये संपर्क में होने वाली बात कोई नई नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस के जो XML है, मानार से XML थे सिंह, उन्होंने यह दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी से 11 विधायक जो है टूट करके दूसरे दलों में जाएंगे। इससे पहले राजद के जो कदावर नेता है श्याम रजक, उन्होंने भी दावा किया था कि जदयू के जो 28 विधायक है वो हमारे संपर्क में है। लेकिन मुकेश सहनी ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। NDA के भीतर ही जो है घमासान की स्थिति बनी हुई है। मांझी कभी मांग दे रहे हैं सीट तो कभी मुकेश सहनी अपनी बातों को मनवाने में लगे हुए हैं। हालांकि सब अपनी राजनीतिक कद के हिसाब से देखें, सीटों की संख्या के हिसाब से देखें तो बिहार की राजनीति की दिशा और दशा कुछ अलग होगी। लेकिन मुकेश सहनी ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि राजद के 20 विधायक उनके संपर्क में हैं। जी, एक बड़ी बात सामने आ रही है। देखिए, इस पूरे मामले के बाद बिहार की राजनीतिक जो घटनाक्रम है, बिहार की जो सियासत है, उसमें फिर से एक बार भूचाल आ सकता है। बिहार की सियासत की जो गर्मी है, बिहार की सियासत का जो पारा है, एक बार फिर से बढ़ने वाला है। आपको बताते हैं दरअसल पूरा मामला क्या है। दरअसल जैसे ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार के अलग अलग हिस्सों में देशाटन पर निकलते हैं, ठीक वैसे ही उससे सबक लेते हुए जो बिहार के और भी जो दल हैं वो भी नीतीश कुमार की नीतियों से जो सहमत रहते हैं, वो सभी उन्हीं का जो है अनुवाई करते हुए, उन्हीं के कदमों पर चलते हुए बिहार के अलग अलग हिस्सों में निकल रहे हैं। ऐसे में BIP के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वह भी जो है बिहार के अलग अलग हिस्सों में निकले हुए हैं, अपने पार्टी के जिला संगठनों तक जाकर के जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं। ऐसे में जो शेखपुरा के हसनगंज में जब वो जिला पार्टी कार्यालय पर थे, उस दौरान एक संवाददाता ने उनसे एक सवाल कर लिया कि जो पार्टी में टूट की खबरें आ रही है, जो NDA में टूट की खबरें आ रही है, NDA में भूचाल की खबरें आ रही है, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो हमारे दो तोड़ेंगे तो हम जो है उनके 20 तोड़ेंगे। और इसके पीछे उन्होंने इस बात का दावा किया है कि हमारे साथ मोटा भाई है, यानी कि हमारे साथ अमित शाह है और उन्हें सबको पता होनी चाहिए कि NDA की सरकार है। तो कहीं ना कहीं इशारे में उन्होंने खरीद प्रोक्त की नीति की तरफ भी जो है ध्यान आकृष्ट कर दिया है। ये सीधे कहा कि अगर वो हमारे दो तोड़ेंगे तो NDA में उतनी क्षमता है कि हम उनके 20 विधायक को तोड़ करके अपने में मिला लेंगे। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने इशारे में ये इस बात की ओर जो है पूरा इशारा कर दिया, अपनी बातों को रख दिया है कि राजद के 20 विधायक जो है टूटने की कगार पर है, उनके संपर्क में है। मुकेश सहनी का लहजा भले ही जो कुछ भी हो, लेकिन उनका यह दावा जो है बिहार की राजनीति में फिर से एक बार सियासी भूचाल लाने वाला है। बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहां लगातार जारी रहता है। अगर आपने वीडियो देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।